सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशन लाइव 24/7। आज मैं जिस शख्स से आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हां, जहानाबाद के काफ़ी फिक्रमंद आईपीएस अधिकारी करुणा सागर जी आज हमारे साथ हैं। हम लोग से उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे जहानाबाद उनका 7 दिनों का दौरा था, ये 7 दिनों उनका कैसा रहा और कहाँ कहाँ पे ये गए, किन किन से लोगों से मुलाकात किए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जहानाबाद के सारे निवासियों को दिवाली और छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि दिवाली मनाते समय पटाखों के साथ सावधानी बरतें, आग के साथ सावधानी बरतें और छठ सूर्य भगवान की जो पूजा है उसको पूरी मनोकामना के साथ करें और इस तरह करें कि एक नए जहानाबाद, एक ऊर्जावान जहानाबाद और एक सामाजिक सौहार्द से परिपूर्ण जहानाबाद, एक संपन्न जहानाबाद का निर्माण हो सके। सर, 6-7 दिनों का आपका दौरा था जहानाबाद का, तो ये 7 दिनों में आपने खास तौर पे शिक्षा व्यवस्था पे काफ़ी ध्यान दिया और ये सब जगह पे आप ज़्यादा जाकर मुलाकात बात की, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मेरा 2-3 कार्यक्रम बच्चों के साथ था, अलग अलग स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी गए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी गए और मानस इंटरनेशनल जैसे स्कूल में भी गए, जज्बा जैसे इंस्टीट्यूशन में भी गए जहां फौजियों को तैयार किया जाता है, बीएड कॉलेज भी है और प्लस टू स्कूल भी है। तो इन सब जगहों से जाने के बाद मेरा जो एक उत्साह है और मेरा जो एक सपना है कि जहानाबाद का भविष्य आगे बड़ा उज्जवल है, उसको बहुत बल मिलता है। एज ए आरपीएस सर, युवा आपका काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, आपका वीडियो देखते हैं, आपका इंटरव्यू सुनते हैं, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है सर? अगर वो मिडिल क्लास के लोग हैं और वो आईपीएस बनना चाहते हैं तो वो कैसे बनेंगे सर? देखिए, आईपीएस बनने के लिए कोई भी अगर विद्यार्थी डिसाइड कर लेता है और जल्दी 10th 12th के बीच में डिसाइड कर लेता है और उसके लिए परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात है कि इन युवाओं की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जहानाबाद को, हमारे राज्य को, हमारे देश को, क्योंकि इनका जैसा चरित्र होगा, इनका जैसा व्यक्तित्व होगा, वैसा ही हमारा समाज आगे जाएगा। तो ज़रूरी है कि ये दिल से, दिमाग से मजबूत हों और इनका जो लाइफ के प्रति आउटलुक है वो लिबरल हो, सबको साथ लेने का जज्बा हो, तो एक अच्छा समाज का गठन किया जा सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से जहानाबाद जिला, अरवल जिला के जो लोग हैं, जो वासी हैं, उनके लिए क्या संदेश है सर आपका? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, जैसे कल एक बुद्धिजीवियों की एक गोष्ठी थी जहाँ जहानाबाद में क्या किया जा सकता है, इसके विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर एक परिचर्चा हुई और हमने जो परिचर्चा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, सरवर सलीम साहब थे, अपने इकबाल लीडर थे और विकास मिश्रा थे, अशोक प्रियदर्शी थे, इन सबको कहा कि आप सब मिलके इस तरह की परिचर्चाओं को जारी रखें और उसमें हमारे समाज में जितने महत्वपूर्ण लोग हैं उनको बुलाएं और उनको ये महसूस कराएं कि जहानाबाद के विकास में उनकी भागीदारी है। धन्यवाद। धन्यवाद। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24/7। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर करुणा सागर 1 सप्ताह के जहानाबाद दौरे पे थे। आज वापस जाने के क्रम में पीजी रोड ईदगाह के समीप सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इकबाल लीडर, मोहम्मद फिरोज, अरुण कुमार, जमील अख्तर इत्यादि लोगों ने फूल और मालाओं के साथ किया स्वागत। करुणा सागर ने मदरसा के बच्चों के बीच कलम देकर किया सम्मानित। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। Yeah.
चलो 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 चलो